टी20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला यानी कि भारत पाकिस्तान मैच जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अब चंद मिनटों में खेला जाएगा। तब अगर टॉस की बात करें तो टॉस पाकिस्तान ने जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया गया है। 5 साल 7 महीने और 5 दिनों के बाद ये महामुकाबला होने जा रहा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत के जो प्रेमी हैं उनकी नज़र थी। तब टॉस पाकिस्तान के पल्ले में रहा है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी कि भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया है। अब आगे देखना यही होगा कि भारत पाकिस्तान मैच किस तरह से होता है और कितने रनों का टारगेट पाकिस्तान को दिया जाता है। खास तौर पर अगर हम आपको बताएं तो टी20 वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है उसमें जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 90% भारतीय प्रशंसकों ने टिकट ले लिए हैं। ये सुनकर पाकिस्तानी प्रशंसक नाराज देखे गए थे। भारतीय प्रशंसकों ने 90% स्टेडियम में टिकट बुक करवा दिए गए हैं। तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला शुरू होने से पहले ही काफ़ी हद तक विवाद भी शुरू हो चुका है। अब देखना यही होगा कि भारत पाकिस्तान का ये टी20 मुकाबला क्या रंग लाता है। साथ ही मैं आपको बता दें कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच भी मुकाबला हुआ था जिसमें श्रीलंका 5 विकेट से जीत चुका है। अब चंद मिनटों में भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू होगा। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।